हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। और आज हम करने जा रहे हैं, शायद थंबनेल देखा होगा आप लोगों ने या फिर टाइटल पढ़ा होगा, पढ़ा करो यार पहले उसे पता चल जाता है क्या वीडियो है। तो फिर भी मैं बता देती हूँ कि हमारी आज की वीडियो है, जो रिएक्शन हम देने जा रहे हैं वो है मुंबई वर्सेस कराची, विच इज द मोर डेवलप्ड। ओके, तो कराची वर्सेस मुंबई। सो चलो आज कर लेते हैं कंपेरिजन, क्योंकि मुझे कमेंट में काफ़ी लोगों ने बोला था कंपैरिजन करा करो, ये पाकिस्तान की सिटीज क्यों बना रही हो। आते भाई ऐसे ऐसे मैसेज आते सो क्या कर सकते हैं। और सबकी विश होती है कि आपको क्या वीडियोस देखना है, तो मैं उसको 100% पूरा करने को ट्राई करूँगी। एंड सो गाइस चलो करते हैं मुंबई वर्सेस कराची का हम कंपैरिजन तो नहीं बोलूंगी, बट इसमें लिखा है कि विच इज द मोर डेवलप्ड, तो सिटी कौन सी है, तो चलो करते हैं। पहले मैंने कराची वीडियो, कराची सिटी पे मैंने दिया हुआ है, मतलब रिएक्शन दिया हुआ है। सो गाइज अगर आप कराची सिटी, बहुत मुझे एक दो कमेंट आए थे कि मैम कराची सिटी पे प्लीज रिएक्शन दो, तो गाइज मैंने दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे चेक करिए। मतलब अभी रिसेंटली ही मैंने दिया है, तो आपको ऊपर ही मिल जाएगी वीडियो, तो आप कर सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा अगर आप लोगों को देखनी है। सो गाइज चलो करते हैं स्टार्ट, वक्त बर्बाद ना करते हुए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा, एंड ऐसे ही और सारी वीडियोस देख लेके मैं आऊंगी आपको दिखाने के लिए। कमेंट करिएगा कि आपको और कौन सी ऐसी वीडियोस देखनी है आपकी कंट्रीज वगैरह की, जहां के भी आप हो। सो चलो करते हैं स्टार्ट जल्दी। कराची वर्सेस मुंबई। वैसे तो दोनों ही शहर अपने अपने देशों के सबसे बड़े शहर हैं और जिनकी अपनी अपनी खूबियां भी है, लेकिन फिर भी लोग कंपेयर करते रहते हैं कि आखिर कौन सा शहर बेहतर और ज्यादा डेवलप है। तो आइए जानते हैं आज कराची और मुंबई सिटी के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें कराची की, तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे अमीर शहर है और साथ ही सिंध प्रांत की राजधानी भी है। इसके उपनगरों को मिलाकर यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो कि 3780 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के निवासी इस शहर की जिंदा दिली की वजह से इसे रोशनियों का शहर भी कहते हैं, और इसी वजह से ही कराची को सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। अरब सागर के तट पर बसा कराची पाकिस्तान की सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक राजधानी मानी जाती है, और यह शहर पाकिस्तान आने वाले पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय भी है। कराची की जनसंख्या की बात की जाए तो कराची में करीबन 1,70,00,000 लोग निवास करते हैं, जिनमें से 96% मुस्लिम, 2% क्रिश्चियन, 0.86% हिंदू, और इसके अलावा भी कुछ अन्य धर्म के लोग भी निवास करते हैं। कराची की लिटरेसी रेट 81% है। बात की जाए जीडीपी की, तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल और कॉमर्शियल हब माना जाता है, और एक सर्वे के मुताबिक कराची की जीडीपी $210 बिलियन है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी में 25% हिस्सेदारी रखती है। बात की जाए कराची के इतिहास के बारे में, तो इस शहर को 1729 में यहाँ के बलूचों ने बसाया था। कराची का मौसम भी मुंबई के जैसा ही है, क्योंकि दोनों ही शहर समुद्र के किनारे एक ही भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। कराची में भी आपको ऊंची ऊंची आधुनिक इमारतें देखने को मिलेगी, जो कि मुंबई की तुलना में उतनी ऊंची या अच्छी तरह से विकसित नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में वो सबसे अच्छी है, और पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छा डेवलपमेंट आपको कराची में ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मुंबई के बारे में। मुंबई पूरे भारत की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, और यह भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला भी शहर है, और साथ ही महाराष्ट्र राज्य की राजधानी भी है। समुद्र के किनारे बसा मुंबई शहर भारत में सबसे ज्यादा मशहूर है, जिसे सिटी ऑफ ड्रीम्स यानी कि सपनों की नगरी भी कहा जाता है, और पूरे भारत के लोग अपने सपने साकार करने के लिए मुंबई आते हैं। और मुंबई में आते ही आपको यहाँ पर बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स देखने को मिल जाएंगे। मुंबई को भारत की कॉमर्शियल कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है, बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज के हेडक्वार्टर्स यहाँ पर मौजूद है। मुंबई को पहले बॉम्बे कहा जाता था। इस शहर को 7 द्वीपों को जोड़कर बनाया गया,
मुंबई विश्व के सर्वोच्च 10 वाणिज्यिक केंद्रों में से भी एक है। मुंबई 603 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बात करें मुंबई की जनसंख्या के बारे में तो आज के समय पर मुंबई में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग निवास करते हैं, जिनमें से 65% हिंदू, 20% मुस्लिम, 3% क्रिश्चियन और 4% जैन और बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। मुंबई का लिटरेसी रेट 89.73% है, जो कि कराची से 8% ज्यादा है। मुंबई प्रसिद्ध फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का भी घर है, जो कि हॉलीवुड की तुलना में अधिक फिल्मों का निर्माण करता है। भारत के सबसे ज्यादा करोड़पति और अरबपति मुंबई में ही रहते हैं। बात करें मुंबई की जीडीपी के बारे में, मुंबई की जीडीपी 606 मिलियन यूएस डॉलर मानी जाती है, जो कि कराची की जीडीपी से 3 गुना ज्यादा है और जिसकी भारत की इकोनॉमी में 5% की भागीदारी है। तो दोस्तों, ये थे भारत और पाकिस्तान के अपने अपने सबसे बड़े और डेवलप्ड शहर। आप दोनों ही शहर को 5 में से कितनी रेटिंग्स देना चाहोगे हमें सो गाइज बताओ आप कौन सी आपकी फेवरेट सिटी है जो पाकिस्तान की होंगी। ऑब्वियसली उनको कराची पसंद है, वो कराची का ही साइड लेंगे। एंड जो इंडिया से है, जैसे कि मैं, हम लोग मुंबई का ही साइड लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं करूंगी कि नहीं नहीं कराची अच्छा नहीं है, मुंबई अच्छा है, ऐसा नहीं। सबकी अपनी सिटी होती है, बुरा नहीं बोलना चाहिए। मैं तो बुरा नहीं बोलूंगी, मुझे तो कराची भी अच्छी लगी। मुंबई तो वैसे भी भाई बढ़िया ही है, वर्ल्ड में मतलब आते हैं ना लोग इंडिया से। एंड मुंबई जितनी पॉपुलर है इंडिया के लिए, वैसे ही कराची भी, हमने कई बार सुना है पाकिस्तान की सिटी कराची है, लाहौर है, ये सारे नाम तो ये तो बहुत नॉर्मल है, कॉमन है कि लोग पहचानते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, ये सब पहचानते हैं। और भी ऐसे इंडिया में ऐसे कुछ सिटीज़ है, स्टेट्स है, जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो बिल्कुल भी बहुत से कम, आई थिंक शायद 100 में से 30% लोग शायद जानते होंगे, बाकी तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। ऊपर से उनको चिढ़ाते भी है, तो वो तो नहीं है, खैर वो तो उसके तो टॉपिक ही अलग है। बट मैं बता रही हूँ ऐसा कि मैं कंपैरिजन की बात नहीं कर रही। मैंने जैसे कि दोनों वीडियोस देखी गई है, तो जो चीज़ें कराची के लिए बताई गई है वो अपने वे में बिल्कुल परफेक्ट है एंड बहुत अच्छी सिटी है। एंड जैसे कि मुंबई बताई गई है, तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। कंपैरिजन के बारे में नहीं बोलूंगी, लेकिन आपको देख के पता चल गया होगा बहुत ज्यादा, जैसे बिलियनर मिलियनर रहते हैं बोला गया है। मैं तो नहीं हूँ इसलिए मैं तो रहती भी नहीं हूँ। तो या एवरीवन नो कि यार मुंबई है तो बढ़िया ही है, एंड मुंबई सिटी है तो इंडिया की लार्जेस्ट सिटी है, मिलियनर रहते हैं उधर, सो ये तो फेमस सिटी है इंडिया की, तो सबको पता है। मुंबई तो मैं कभी गई नहीं हूँ, पर एक मैं रिएक्शन देना चाहूँगी अगर आप मुंबई से, तो प्लीज़ बताइएगा। एंड और कौन सी आपकी फेवरेट सिटी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, और मैं रिएक्शन देना चाहूँगी। सो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, सब्सक्राइब करिएगा गाइज मुझे जल्दी से। एंड 2K होने वाले हैं, सो जल्दी से 2K करा दो प्लीज़ 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 2K करा दो जल्दी से गाइज सब्सक्राइबर, इट्स इम्पॉर्टेंट। मतलब बहुत मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचते हैं, बहुत हार्डवर्क है। ऐसा नहीं है कि यार आप लोग यूट्यूब बना रहे हो तो उसमें कोई हार्डवर्क नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत हार्डवर्क होता है गाइस, बहुत ज़्यादा। सो आप सोच भी नहीं सकते इतना होता है, इतना पेशेंट रखना पड़ता है हर चीज़ के लिए। मन करता है कि छोड़ दो यूट्यूब, क्योंकि हो ही नहीं रहा है, बहुत मुश्किल भी होता है गाइस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मुझे, और लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, आपको कौन सी सिटीज़ के ऊपर रिएक्शन देखना है, सॉन्ग के ऊपर या कोई भी ऐसी चीज़। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप इंडिया के तो हो है ही मेरे सब्सक्राइबर, लेकिन अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ के भी है बहुत से, तो यहाँ के भी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।